चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन सेल और रिटर्न पे अभी तक जो पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया गया था बेटा कोई होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजता है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, अगर वो बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो वापस। अकाउंटिंग के तीन तरीका है डिपेंडिंग ऑन ट्रांजेक्शन्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। क्या क्या था बेटा? गुड्स आर सेंड कैजुअली, गुड्स आर सेंड फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली। तो अपने कैजुअल मेथड पे स्टार्ट कर दिए थे, आज तो कंप्लीट भी हो जाएगा सारे क्वेश्चंस वगैरह। गुड्स जब भेजते हैं उसे नॉर्मल क्रेडिट सेल्स समझते हैं, क्या एंट्री लगाते हैं? उधर से आवाज़ नहीं आ रहा भाई, बोलो। डेटर्स टू सेल्स, और अप्रूवल आ जाएगा तो उसका एंट्री नहीं चाहिए, और रिटर्न हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड टू डेटर। और साल के लास्ट में अनअप्रूव्ड, अकाउंटिंग ईयर के एंड पे अनअप्रूव्ड सेल होएगा तो दो एडजस्टमेंट एंट्री, सेल्स कैंसिल करेंगे, सेल्स टू डेटर और स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, स्टॉक कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट पे। दो एडजस्टमेंट एंट्री लगाने के बाद आपका सेल्स कम जाएगा, डेटर्स कमेगा और स्टॉक बढ़ेगा कॉस्ट पे। कभी कभी बेटा हाई प्राइस पे गुड्स अप्रूव कर लेता है तो डिफरेंस अमाउंट का एक एंट्री लगेगा, डेटर्स टू सेल्स। कभी कभी लोअर प्राइस पे गुड्स अप्रूव्ड होता है, सेल्स टू डेटर। और बेटा साल के लास्ट में सेल्स आपने उड़ा दिया, नेक्स्ट ईयर गुड्स अप्रूव्ड हो गया, क्या हो गया? अप्रूव्ड। तो क्या करेंगे? गुड्स अप्रूव्ड हो जाएगा तो डेटर्स टू सेल्स, और गुड्स रिटर्न हो गया तो नो एंट्री। कभी भी पेपर सेटर एडजस्टमेंट एंट्रीज, फाइनल अकाउंट पर्पस के लिए एंट्रीज बोलेंगे तो वो वही सेल्स वाला, गुड सेंट वाला छोड़ के सब लगाना है, सेंट वाला का एंट्री ऑलरेडी हो गया है, डन। तो चलिए बेटा कुछ होमवर्क दिया गया था आप लोगों को, आइए होमवर्क डिस्कस करेंगे अपने भाई। लास्ट बेंच होमवर्क हो गया, कोई डाउट है? चलो क्या क्या होमवर्क था बच्चा लोग बताएंगे, या P7 P8 आइए P8 से शुरू करते हैं। E लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन कॉस्टिंग 200 ईच टू देयर कस्टमर ऑन रिट अप्रूवल बेसिस। All such transactions treated like actual sales pass through day book just before end of financial year 24th March 300 accounting machine sent invoice price मतलब sale price, invoice price का मतलब sale price 280 out of which 90 accounting machines were accepted and raised no report. So journal entries in the books of company for final account, final account for the year ended 31st March. तो बेटा ओनली एडजस्टमेंट एंट्रीज लगाना है आपको, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो बोलेंगे बेटा एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या क्या लगाए हैं आप लोग? सेल्स कैंसिल करना है ना, आपने 300 मशीन्स भेजा था, 90 ही एक्सेप्ट हुआ है ना, तो कितना का अनअप्रूव्ड सेल, कितना मशीन्स बेटा? 210 क्या? 210 इंटू अनअप्रूव सेल कितना हुआ? 280 कितना हो गया? 58,800 ओके, वो हायर प्राइस में, लो प्राइस में एक्सेप्ट किया क्या? तो पहले लो प्राइस का कर लेते हैं। अप्रूव्ड नाइन्टी मशीन्स है ना, लो प्राइस 90 इंटू डिफरेंस अमाउंट 30,
2700 है ना बेटा। तो क्या करेंगे इसका, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल कितना बेटा, 27। वेरी वेरी गुड, राइट है, समझाना है किसी को पक्का, लास्ट बेंच, ओके। और 31 मार्च को अनअप्रूव्ड सेल कितना होगा, अनअप्रूव्ड सेल कैलकुलेशन 210 × 280 58,800। क्या लिखेंगे, सेल्स टू डेटर्स 58,800 और स्टॉक विद कस्टमर 210 × 200 42,000, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 42,000 हो गया सबका, वेल डन भाई, सबका हो गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट और क्या था, P7, ये आपके एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है, January 21 पे आया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ABC ऑन फॉर देयर 31 मार्च 2020, 100 units कॉस्टिंग 500 ईच सेंड टू XYZ सेल रिटर्न बेसिस, दिस ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स, अंडरलाइन करना, इसे एक्चुअल सेल्स दिखा दिया, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स। ये आपने भेजा था कभी पहले, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स, उसे एक्चुअल सेल्स दिखा दिया, समझा बेटा, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स, उसे एक्चुअल सेल्स दिखा दिया, तो सेल्स का एंट्री डन, सेल्स का एंट्री डन, लिख लेना बेटा, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स, सेल्स एंट्री डन, सेल्स एंट्री डन, लिख लो बेटा, लिख लिया, सेल्स का एंट्री हो गया, क्वेश्चन पे लिख लेना, सेल्स का एंट्री डन। सेंड किए थे 100 यूनिट्स 750 में ना, और कॉस्ट था बेटा 500, अब दे वो 100 यूनिट्स 60 एक्सेप्टेड 8,700 अप्रूव कर दिया, 60,700 में, तो लो प्राइस में कर दिया ना, तो लो प्राइस का एक एंट्री लगाना पड़ेगा, क्या एंट्री लगाया बेटा, सब बोलो, सब बोलो, सेल्स टू डेटर्स 60 × 750। बेटी आपको समझ भी नहीं आया, 60 × 50 होगा ना, कितना, डन। नो इंफॉर्मेशन रिसीव अबाउट बैलेंस अनअप्रूव्ड, कितना बेटा, 40 units 750 30,000 सेल्स टू डेटर्स है ना, और फिर स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग 40 × 500 डन, बहुत अच्छा हो गया सबका। चलिए अब हम लोग P9 पे चलेंगे, P9 पे
ए सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूड सेम इन सेल्स अकाउंट। आप अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेजते हैं और सेल्स अकाउंट पे दिखा देते हैं। ऑन 31 मार्च ट्रेड रिसीवेबल डेटर से आपके बैलेंस शीट में 1 लाख विच इंक्लूड्स गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस नो इन्फॉर्मेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। आ गया बेटा हमारा उस क्लास का डिस्कशन, जब हम लोग अनअप्रूव सेल कैंसिल करते हैं तो सेल्स कमता है, डेटर्स कमता है, स्टॉक कॉस्ट पे बढ़ता है। उस एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है, आपके डेटर्स 1 लाख का है, डेटर्स 1 लाख का, उसमें से 7,000 का माल अप्रूवल बेसिस पे भेजा है, नो इंटीमेशन रिसीव्ड, अनअप्रूव्ड। कितना रुपया का माल अनअप्रूव्ड है बेटा? 7,000। 7,000 का गुड्स अनअप्रूव्ड, दिस वेर सेंट एट 25% अबोव कॉस्ट, प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स। एंड किसको किसको भेजा है? एक्स भाई को भेजा है 4,000 का, वाई भाई को भेजा है 3,000। 7,000 का माल भेजा है आपने। मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 30 अप्रैल को। अरे भैया हमें तो पहले मार्च से मतलब है, अप्रैल में एक्सेप्ट किया। एंड वाई रिटर्न गुड्स ऑन 10 अप्रैल। एक भाई वापस कर दिया और एक भाई अप्रूव्ड। तो बेटा साल के लास्ट में सेल्स कैंसिल हो जाता है और फिर नेक्स्ट ईयर अप्रूव्ड होने से एंट्री लगेगा डेटर्स टू सेल्स और रिटर्न हो जाएगा तो नो एंट्री। ये कंसेप्ट यहाँ मिलेगा आपको। नाउ मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज, अंडरलाइन करना एडजस्टमेंट एंट्रीज, एंड सो हाउ दिस आइटम्स विल अपियर ऑन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। हाउ दिस आइटम्स विल अपियर इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, पहले ये पूछा है। फिर पूछा है सो वॉट एंट्रीज विल बी मेड इन अप्रैल 2016 अप्रैल में क्या एंट्री होगा वो भी पूछा है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का दिया है। तो बेटा देखो 31 मार्च 16 अनअप्रूव सेल को क्या करते हैं, दो ही तो एंट्री है, अनअप्रूव सेल को क्या करते हैं, कैंसिल। कैंसिलेशन का एंट्री क्या सिखाए थे? सेल्स टू डेटर्स। कितना रुपया का है? 7,000। नरेशन आप लोग को सिखा दिया गया है। और दूसरा इसे स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। सेल प्राइस 7,000 है ना बेटा, बोलो बेटा। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट तो है नहीं, 1/5 ऑन सेल, 1,400, 5,600, 5,600, क्लियर है। तो ये दो एंट्री हो गया 31 मार्च को, क्लियर। गुड्स सेंट का ऑलरेडी एंट्री हो चुका है तभी तो डेटर्स वगैरह में है, डन डन। एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला है तो यही दो एंट्री आएगा। और अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ? एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, 30 तारीख को एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, 30 तारीख को एक्सेप्ट कर लिया और वाई रिटर्न कर दिया 10 तारीख को। तो रिटर्न का एंट्री चाहिए ना नो एंट्री, एक्सेप्ट का एंट्री चाहिए ना नहीं चाहिए। 30 अप्रैल 2016 को एक्स एक्सेप्ट कर लिया, कर लिया ना, तो क्या लगाएंगे बेटा, डेटर्स टू सेल्स। एक्स के पास कितना था बोलिए बेटा। ओके 30 अप्रैल के पहले 10 अप्रैल ही बताता हूँ किसने रिटर्न कर दिया, वाई रिटर्न। एंट्री चाहिए ना नो एंट्री, मैं इसे वर्किंग नोट में लिखा दूंगा, फिर भी विजिबल करवा रहा हूँ आपको, ये लिखना नहीं है ऐसे दिखा दिया,
फिर 30 अप्रैल को एक्स एक्सेप्ट किया ना, तो क्या लिखेंगे? डेटर्स टू सेल्स कितना कितना कितना? 4000। इसने 3000 का एक्सेप्ट किया, उसका एंट्री नहीं चाहिए। ये हो गया। तो देखो ये कितना बढ़िया सम था, पेपर सेटर ने यहाँ पे पूरा कंसेप्ट पूछ लिया। फर्स्ट तो अनअप्रूव का तो जानना ही है, दूसरा नेक्स्ट ईयर रिटर्न अप्रूव वो भी पूछ लिया, और एक बैलेंस शीट भी मांग लिया। देखो बेटा बैलेंस शीट कब का मांगा? एज ऑन 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 एक्सट्रैक्टेड लिखना, एक्सट्रैक्टेड या इंक्लूड्स लिखना। जब भी बैलेंस शीट इनकम्प्लीट बनाएंगे, जब भी बैलेंस शीट इनकम्प्लीट बनाएंगे, एक वर्ड डाल देंगे एक्सट्रैक्टेड या इंक्लूड्स, और टोटलिंग नहीं करेंगे। बैलेंस शीट इनकम्प्लीट बनेगा एक दो आइटम तो एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में, मतलब बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स हैं, हम एक दो डाल रहे हैं। तो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल दिया है क्या? क्या दिया है देखो तो बेटा, मेरे डेटर्स है। कितना डेटर्स है? 1 लाख। और आप लोग को रोज रटवा रहा हूं मैं, रोज अनअप्रूव सेल कैंसिल करने से सेल कमेगा, डेटर कमेगा, स्टॉक बढ़ेगा। तो डेटर कितना कमेगा मार्च में? 7000। कल एक एग्जाम्पल दिए थे ना, बिफोर आफ्टर। ओके, तो डेटर्स कमेगा, ट्रेडिंग तो बनाना नहीं है, डेटर्स कमेगा। लेस अनअप्रूव्ड सेल कितना? 93000। और क्वेश्चन पेपर के लास्ट में दिया है देखो तो, स्टॉक 60000। रोज बोल रहा हूं मैं, सेकेंड डे से बोलने दो ना। अनअप्रूव सेल कैंसिल करेंगे, सेल्स कमेगा, डेटर्स कमेगा, स्टॉक कॉस्ट पे बढ़ेगा, स्टॉक कॉस्ट पे बढ़ेगा, बढ़ाते ना। प्लस स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर कितना कितना कितना? 5600। 65600। टोटलिंग नहीं करना, टोटलिंग नहीं करना, जब एक्सट्रैक्टेड फॉर्मेट में बनेगा टोटलिंग नहीं करना। डन बेटा। यहाँ पे दो वर्किंग नोट बनेगा, एक एक वर्किंग नोट बनेगा स्टॉक विथ कस्टमर ऑन 31 मार्च का, और दूसरा वर्किंग नोट बनेगा नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर गुड्स रिटर्न बाई वाई ऑन 10th अप्रैल। दो वर्किंग नोट मेरे से लिखवा लेना, बाकी समझ में आ गया। ऐसा तीन सम है, और एक समझाऊंगा, और ये आपका ना कैजुअल मेथड का खत्म हो गया हमेशा के लिए। एक ही दिन में बाकी का सारे खत्म हो जाएंगे, कल ही कैजुअल में ही दम था, फिर इसके बाद हम लोग नया चैप्टर भी लेंगे। तो चलिए बेटा आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट मेंटेन कीजिए, एक दो चैप्टर मेरे साथ, बाकी का घर में प्रॉपर मेंटेन करना, इसे कॉपी कर लीजिए। भाई पीछे बैठे भाई सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का इजी लग रहा है ना भाई आपको? ओके शिवम भाई, कितना वीडियो देख लिया आपने? क्यों पंडित जी मना किए थे? तो परसों देखा था ना, तो कल से अभी तक एक ही लेक्चर। थोड़ा सीरियस हो जाओ, स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बेटा। सारा तो डाला ही तुम्हारे लिए, लेक्चर डाला यूट्यूब पे हम लोगों ने। बाकी क्या गुड़िया जो एब्सेंट होते हैं लेक्चर्स देखते हो आप लोग? देख लिया सारा? तुम तो रेगुलर ही हो। तो लास्ट बेंच कितना लेक्चर देखा? यूट्यूब से ही देखा होगा।
वो देखा, यूट्यूब से नहीं देखा। ओके, क्लास में रेगुलर हो ना? ठीक है ठीक है। सेकंड बेंच आप एब्सेंट थे, आपने देखा? गुड। चलिए आगे बढ़े। डन भाई, डन। यस यस बेटा, जब मैं टेस्ट में क्वेश्चन देता हूँ ना, इसमें ना बहुत गलती करते थे आपके सीनियर्स। लास्ट बैच, लास्ट बैच मतलब लास्ट नवंबर, नवंबर 22 बैच। तो बेटा आप ध्यान देना, अनअप्रूव्ड सेल्स होने से जब पढ़ाया गया, सेल्स कमेगा, डेटर्स कमेगा और स्टॉक बढ़ेगा। डन। हाँ, वर्किंग नोट वन, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर ऑन 31st March 16, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर ऑन 31st March 16, कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर ऑन 31st March 16, अनअप्रूव्ड सेल्स 7000, अनअप्रूव्ड सेल्स 7000, लेस प्रॉफिट, अनअप्रूव्ड सेल्स 7000, लेस प्रॉफिट 1/5 of 7000, 1/5 of 7000, 1/5 of 7000, 1400 माइनस कर दो, 5600 बचा। नोट टू, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर गुड्स रिटर्न बाय वाई, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर गुड्स रिटर्न बाय वाई On 10th April for goods returned by Y, for goods returned by Y on 10th April, 10th April को Y return का क्या? No entry required. Done. बेटा ऐसा question institute November 18 में दे दिया है, आइए इसे देखते हैं।
पहले तो आप लोग होमवर्क ले लेंगे 11 सेम सम है जो अभी करवाया था हमने, और 12 एग्ज़ाम में आया था, इसे हम लोग अभी क्लास में करेंगे। आप सब सकोगे, पढ़ लेता हूँ, जो सकेगा खुद कर लेगा, बाकी के मैं तो भी कराऊंगा क्लास में। स्टार्ट करूँ बेटा? एकदम सेम सम है, बस क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर खुद कर कीजिएगा। बेटा जरा मिस हो गया क्या? मिस्टर गणेश सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू कस्टमर एंड इंक्लूड सेम सीन सेल्स अकाउंट। गणेश भाई अप्रूवल बेसिस पे माल भेजता और सेल्स में दिखा देता है। 31 मार्च 2018 ट्रेड रिसीवेबल 75,000। इस बार डेटर्स नहीं लिखेंगे, अब ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे। हाँ बेटा, एंड इंक्लूडेड 6,000 अप्रूवल बेसिस, नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। 6,500 का माल अप्रूवल बेसिस पे, नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। तो बेटा इसको तो हम लोग सेल्स को कैंसिल करेंगे। बोलो बेटा, दिस गुड्स वेयर सेंट एट 30% अबव कॉस्ट। यहाँ पे फंस जाएंगे, प्रॉफिट रेट 30% ऑन कॉस्ट है ना, तो 30 का मतलब क्या होता है, 30/100। तो यहाँ पे सेल प्राइस शॉर्टकट नहीं होगा, 30/130 होगा, मैं दिखा दूंगा। अरे 25% कुछ कुछ परसेंटेज में नहीं था क्या, याद कर लिया था। 30% वहाँ का शॉर्टकट नहीं है, 30/100 होगा, फिर सेल प्राइस पे हो जाएगा 30/130। मैं भी दिखा दूंगा, याद है बेसिक्स बताया था क्या, प्रॉफिट रेट, रेट ऑफ प्रॉफिट बता दूंगा। 30% किस पे है, कॉस्ट पे। पहले इसी को सल्टा देते हैं, पहले देखो, लेट कॉस्ट इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू 30, क्योंकि 30% ऑफ कॉस्ट, तो सेल प्राइस 130, तो प्रॉफिट बाई सेल्स कितना हो जाएगा 30/, और प्रॉफिट बाई कॉस्ट कितना हो जाएगा 30/100। समझा बेटा, वो शॉर्टकट चार पांच जगह ही लगता है, वो 20% 25% 33.33, कभी 23% 29% देगा ना, शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो ऐसे हम लोग को एक वर्किंग नोट बना लेना पड़ेगा, सिखाए थे ना उस दिन आप लोगों को। अरे कॉस्ट 100, प्रॉफिट 30% ऑफ कॉस्ट, क्लियर है बेटा? बोलो भाई, इसको हम लोग वर्किंग नोट 1 बना लेंगे थोड़ा देर बाद में, अभी नहीं। देखो ये गुड्स भेजा था आदित्य को 3,900 और मिस्टर बक्की राम को 2,600, तो ये कितना रुपया, 6,500 हो गया ना। बोलो भाई, ये अनअप्रूव सेल है। मिस्टर ए सेंट इंटीमेशन 25 अप्रैल को बोला अप्रूव्ड, और मिस्टर बी रिटर्न कर दिया 15 अप्रैल। सेम समय बेटा, मैट में 3 समय, तो मैं 2 करा देंगे हम लोग क्लास में, एक होमवर्क दे देंगे, और इसका तो बहुत वेटेज है, नवंबर 18 में 5 नंबर के लिए आया था। ओके, मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से। हाउ दिस आइटम्स विल अपीयर इन बैलेंस शीट 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को चाहिए बेटा, 31 मार्च 2018। को एंट्रीज चाहिए, तो सक जाएंगे 2 एंट्री लगाने। क्या क्या 2 एंट्री, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, सेल्स टू, और स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, 6,500 का हो जाएगा ना। और फिर सो व्हाट एंट्री विल बी मेड इन अप्रैल एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक, पूरा सेम समय, मैं 5 मिनट्स देता हूं, आपका दिमाग जैसे काम करता है करो।
तुम तो जून में एग्जाम।
चलिए चलते हैं 31 मार्च 31 मार्च 18 ना, बोलो बेटा क्या एंट्री लगाएंगे 31 मार्च एंट्री को, 31 मार्च 18 को सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। लास्ट में थोड़ा साथ दो मेरा, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल कितना 6000 राइट है। लास्ट बेंच भाई, वो भाई दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा उधर जाना। ठीक है ना, वेरी गुड। और स्टॉक दिखाएंगे ना, क्या लिखेंगे, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अनअप्रूव्ड सेल 6500, इससे क्या माइनस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेट क्या लेंगे, प्रॉफिट का रेट क्या लेंगे 30/130 ऑफ 6500, 1500। कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट 5000 राइट है भाई लोग। और फिर अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल में क्या करेंगे अप्रैल में, बोलो बोलो बोलो। 15 अप्रैल को रिटर्न हो गया, एंट्री करना है नो एंट्री। और बोलो और बोलो और बोलो, 25 अप्रैल को क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स कितना 3900 राइट है। यस वेल डन, फर्स्ट बेंच। एनी प्रॉब्लम, कुछ हेल्प करूं, शर्माना नहीं बेटा। अरे उधर हो गया क्या, बोलो भाई। और बैलेंस शीट भी मांगा है ना ये लोग, तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कितना तारीख को, 31 मार्च 18 एक्सट्रैक्टेड, बोलो बोलो बोलो। ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया, बोलो 7000, 75000 लेस अनअप्रूव सेल 6500, लेस लेस लेस। डेटर्स कमेगा कमेगा बेटी कमेगा 68। और स्टॉक नीचे दिया है 50000 प्लस स्टॉक विथ कस्टमर 5000, 55000 डन। दो वर्किंग नोट जैसे लास्ट समय बनाया था टन से, इसमें इसमें तीन आ जाएगा, एक रेट ऑफ प्रॉफिट और एक स्टॉक विथ कस्टमर और एक नो एंट्री रिक्वायर्ड। ठीक है ना भाई, सेकेंड लास्ट बेंच। एनी प्रॉब्लम, कंफ्यूज निगाहों से देख रहे हो, पक्का पूछ लेना भाई, शर्माना नहीं। सर पूछने का जरूरत ही नहीं है, आप सब तो बता ही दिए, फिर भी इंडिविजुअल डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो हो गया, सारे वेराइटीज कवर्ड, बहुत टाइम लिया, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। दो तीन और सम है, चलो फटाफट सलटा देते हैं उसको भी। और नेक्स्ट क्लास कल न्यूमेरसली वाला पढ़ाऊंगा, दो ही सम है और फ्रीक्वेंटली का सम ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और दो सम और चैप्टर खत्म। इसके बाद अगर जनता परमिशन देगा तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा देंगे, और जनता परमिशन नहीं देगा तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 10 नंबर का चैप्टर है वो शुरू करेंगे। डिपेंड करेगा कि पुराने जनता परमिशन देता है कि नहीं, क्योंकि अब रिपीटेशंस नहीं होगा, अब लेट बच्चे जो आ रहे हैं उनको वीडियो ही मिलेगा। एक बैच और शुरू होगा 12th के रिजल्ट के बाद, तो उसमें फिर से जीरो से स्टार्ट होगा, उससे आप लोगों का कनेक्शन नहीं रहेगा। ये छोड़े ओए फर्स्ट बेंच, आ या यू कैन राइट वर्किंग नोट। बेटा एक होमवर्क ले जा, कौन सा होमवर्क ले गया, 11। आइए आइए आइए, 3 बाकी है क्या बेटा, 3 बाकी है, 3
थ्री अमित रन्स एन ऑनलाइन स्टोर वेयर इन गुड्स आर कैजुअली सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कभी कभी भेजते हैं हम लोग। द फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर 2020 के लिए 10 फेब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 25% ऑन कॉस्ट। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 25% मतलब प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल्स। और देखो ना 1,20,000 कॉस्ट पे लिखा है, अंडरलाइन करेंगे 1,20,000 कॉस्ट पे लिखा है, कॉस्ट पे लिखा है। हम लोग कॉस्ट पे माल नहीं भेजते हैं, हम लोग सेल पे। तो देखो बस इस समय एक ही पॉइंट अप था, कॉस्ट दे दिया, कॉस्ट पे माल नहीं भेजते हैं हम लोग, कॉस्ट है 1,20,000। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है कॉस्ट पे, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे 1/4 ऑफ 1,20,000 30,000। तो सेल कितना हो गया, सेल 1,50,000। ये है बेटा, ये है बेटा सेल्स, ये है बेटा सेल्स, ये है बेटा सेल्स। 1,50,000 सेल्स है, कितना सेल्स है 1,50,000। बस इस समय यही बाउंसर था। अब उसके बाद गुड्स रिटर्न बाई कस्टमर, जानते हो ना रिटर्न, तो 80,000 रिटर्न कर दिया। कैलकुलेटर में लिख लो बेटा, 1,50,000 का माल भेजा था ना, 80,000 रिटर्न कर दिया। 15 मार्च को गुड्स फॉर विच अप्रूवल, अप्रूव्ड हो गया 40,000। और गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल अनअप्रूव, पूरा हिसाब मिल गया। बोलो बेटा, ऑल द गुड्स आर सोल्ड ऑर्डिनरी इन कोर्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, कंसिडरिंग दैट ही क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31 मार्च, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। ये नहीं बोला, ये नहीं बोला एडजस्टमेंट एंट्री, ये नहीं बोला फाइनल अकाउंट पर्पज के लिए एंट्री, तो सारा एंट्री लगाएंगे। माल भेजने का एंट्री बताइए, डेटर्स टू सेल्स, अप्रूव का एंट्री, रिटर्न का एंट्री बताइए, सेल्स रिटर्न टू डेटर, अप्रूव का एंट्री बताइए, नो एंट्री, अनअप्रूव का दो एंट्री बताइए, सेल्स टू डेटर, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, यस डन। एडिशनली इट हैज बीन प्रोवाइडेड 15 अप्रैल को कस्टमर रिजेक्टेड द गुड्स, तो 15 अप्रूवल को कोई एंट्री नहीं चाहिए, सब कुछ है। फटाफट चार एंट्री लगाइए, पहले 10 फेब, फिर 20 फेब, एक पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बाद में बन जाएगा, हाँ वर्किंग नोट नीचे बन जाएगा बाद में, पहले हम लोग जर्नल एंट्री लगा लेते हैं, फिर वर्किंग नोट बना लेंगे। टेन फेब का कोई एंट्री बता सकता है, डेटर्स टू सेल्स कितना रुपया लिखेंगे, वर्किंग नोट से लाएंगे, टेंशन मत लेना। और बोलिए, और बोलिए, 20 फेब को प्रिया लिखो, प्रिया कल दिखी नहीं, कोई नहीं दिखा, क्यों प्लानिंग था क्या तुम लोग का, तुम और वो तो बहुत सीरियस हो, मतलब क्या, हाँ फिर घर से तेज दिया कैसा हुआ, गड़बड़ था क्या, रॉन्ग था, और उससे हो गया, सेल्स रिटर्न टू डेटर, बोलो बोलो बोलो। और 15 मार्च का, 15 मार्च का एंट्री चाहिए ना नहीं चाहिए,
और 31 मार्च का एंट्री तो इंटर में अपना अमानत बना के ले चलना, भूलना मत सेल्स टू डेटर, कितना 30,000, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। भाई तू घर से करके आया क्या? घर से करके आया तो मत बोलो ना प्लीज, हम लोग क्लास में कर रहे हैं बेटा। स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना? करो करो करो। और बेटा 15 अप्रैल का एंट्री आएगा ना नहीं आएगा? नोट में आ जाएगा सब। चलो तो पहला वर्किंग नोट, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट, इसको छाप लो वर्किंग नोट 1, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट। सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट वर्किंग नोट 1 कर लिया। वर्किंग ये हो गया। वर्किंग टू, कॉस्ट ऑफ स्टॉक लाइंग विद कस्टमर। अनअप्रूव्ड सेल, अनअप्रूव्ड सेल कितना बोला था बच्चा लोग? 30,000 लेस प्रॉफिट, 1/4 ऑन कॉस्ट था लेकिन 1/5 ऑन सेल्स, कितना हो जाएगा? ₹24,000 डन। और तीसरा, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर गुड्स रिटर्न ऑन 15 अप्रैल, नो एंट्री रिक्वायर्ड फॉर गुड्स रिटर्न ऑन 15 अप्रैल। मेरी प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, डेट साइड ऑल वेल, शुभम एडजस्ट हो गए? छोड़े वन टू थ्री हो गया ना, फोर आइए। मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली कभी कभी भेजते हैं। ही हैज सोल्ड गुड्स वर्थ 1.5 लाख, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन सेल। 33 1/3 का मतलब बताया था ना बेटा, 1/3 ऑन सेल। कॉस्ट पे नहीं चाहिए फिर भी लिख के रख लेते 1/2 ऑन कॉस्ट, हमें तो सेल्स पे ही प्रॉफिट चाहिए और सेल्स पे ही दे दिया। विच हैज बीन अवेटिंग अप्रूवल, अवेटिंग अप्रूवल
ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग, अवेटिंग अप्रूवल ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग मतलब अन अप्रूव्ड सेल, आपने 1.5 लाख का माल भेजा था, अन अप्रूव्ड है, क्या है, अन अप्रूव्ड। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड कस्टमर हैव एक्सेप्टेड 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, 75% ऑफ कॉस्ट को काट दो, 75% ऑफ गुड्स, 75% अप्रूव्ड हो गया, 75% अप्रूव्ड हो गया, एंड रेस्ट रिजेक्टेड, बाकी का क्या कर दिया, रिजेक्टेड मतलब जब एक्सपायरी डेट था स्पेसिफाइड टाइम उस समय तक 75% एक्सेप्ट, 25% वापस। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एंट्रीज ऑन क्लोजिंग, अंडरलाइन क्लोजिंग बुक्स, क्लोजिंग बुक्स में दो ही एंट्री होता है, क्लोजिंग ऑफ बुक्स में दो एंट्री क्या क्या होता है, अनअप्रूव सेल को कैंसिल करेंगे, ये बेटा बहुत अच्छा बोलता है, सभी आपके तरह बोले, अनअप्रूव सेल को कैंसिल करेंगे, सेल्स टू डेटर, और स्टॉक दिखाएंगे कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट पे, यस, और एंड एंट्रीज आफ्टर एक्सपायरी, तो एंट्रीज आफ्टर एक्सपायरी जो अप्रूव्ड हो गया उसका एंट्री करेंगे, जो रिटर्न हो गया उसका एंट्री नहीं करेंगे। आज एक ही पैटर्न के क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो चलिए 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 31st, ओ डेट नहीं है, डेट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, डेट के घर में डैश, सेल्स कैंसिल करने का एंट्री क्या लगाते हैं हम लोग, सेल्स टू डेटर्स, कितना रुपया सेल्स, 1.5 लाख था क्या, बोलो भाई आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या, पक्का पक्का ना, हंसते रहना बेटा, डाउट नहीं आना चाहिए, डाउट आने से टन से पूछ लेना, अब होना भी नहीं चाहिए, 5 दिन से एक ही बात रोज कर रहा हूं मैं और आज खत्म हो जाएगा सारा सम्स, हो गया ना, और स्टॉक दिखाते क्या बेटा, बोलो ना, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग, कौन सा प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे, अन अप्रूव सेल कितना है, अन अप्रूव सेल 1.5 लाख पे है ना, प्रॉफिट 1/3 ऑन सेल्स पे ही है ना, तो प्रॉफिट भी सेल्स पे दिया है, सेल्स है तो 1/3 ऑफ 1.5 लाख, बोलिए ना, 50,000, कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, 1 लाख, क्लियर, चलिए छाप लीजिए, करो बेटा, दैट्स गुड। और क्या हुआ, क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, क्या हुआ नेक्स्ट ईयर, अप्रूव्ड हुआ क्या, हुआ क्या, कितना हुआ अप्रूव्ड, 75% ऑफ 1.5 लाख, कितना रुपया होगा, 1,12,000, अप्रूव का एंट्री चाहिए, अरे साल के लास्ट में सेल्स उड़ा दिया, क्या लिखेंगे, डेटर्स टू सेल्स 1,12,500, बोलो बेटा है ना, और रिटर्न कितना हो गया बेटा, 25% ऑफ 1.5 लाख, 37,500, रिटर्न का एंट्री चाहिए ना, नो एंट्री, सेल ही नहीं है तो रिटर्न कहाँ का,
डन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो गया ना, टेन वन है ना। आइए आइए टेन देखते हैं, टेन इलेवन होमवर्क दे दिया ना। ओके ओके टेन पी एन कंपनी हैज क्रेडिटेड सर्टेन आइटम्स ऑफ सेल टू सेल्स अकाउंट, यानी कुछ आइटम को सेल्स दिखा दिया। कितना रुपया को सेल्स दिखा दिया? 10,000 ऑफ दीज गुड्स टू द वैल्यू 3,000 रिटर्न्ड, 3,000 का माल वापस, एंड टेकन इन टू स्टॉक 1,500, उसको स्टॉक में दिखा दिया 1,500, तो स्टॉक 1,500 कॉस्ट होगा। यानी क्या ठगता है देखो तो, 1,500 का माल था, सेल दिखाया था कितना 3,000, पूरा 100% कॉस्ट पे प्रॉफिट खाता है। देखो व्यापारी लोग कितना प्रॉफिट खाता है, कोई व्यापारी होगा तो पता चल जाएगा। द रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न ओमिटेड, अंडरलाइन ओमिटेड ओमिटेड ओमिटेड, सेल्स का एंट्री रिटर्न का एंट्री नहीं किया। किसका एंट्री नहीं किया? रिटर्न का, तो कर लेंगे ना। एंड रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्सल 1,000, सेल प्राइस बीइंग कॉस्ट प्लस 100, द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर। तो बेटा 10,000 का माल भेजा था, 3,000 रिटर्न आ गया, साथ 1,000 का अनअप्रूव्ड है, तो 6,000 अप्रूव्ड है। 10,000 का माल भेजा, 3,000 रिटर्न है, 1,000 अनअप्रूव्ड है, बोला ना वन पार्सल 1,000, पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर 1,000, अनअप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड कितना 6,000, माल भेजा कितना का 10 का, 3,000 रिटर्न, 1,000 पेंडिंग, 6,000 अप्रूव, तो अप्रूव से कोई मतलब भी नहीं है। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में दो ही तो एंट्री आता है, एंड करेक्टिंग एंट्रीज, तो रिटर्न का तो एंट्री डाला नहीं ना बेटा, तो बोलो डालेंगे, क्या डालते हैं रिटर्न का एंट्री? सेल्स रिटर्न टू डेटर कितना रुपया, कितना रुपया 3,000, और अनअप्रूव्ड सेल का दो एंट्री बता दो ना बेटा, अनअप्रूव्ड सेल का दो एंट्री कोई बता दो। सेल्स टू डेटर कितना 1,000, और अप्रूव्ड कितना हुआ, अप्रूव्ड 10,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 कितना अप्रूव्ड 6,000, एंट्री लगेगा ना, नो एंट्री, नो एंट्री। लास्ट में समझ में आ रहा है? पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि आप को नहीं समझ में आ रहा है, तकलीफ तो नहीं लग रहा बेटा, पक्का? ओके, तो 10,000 का माल भेजा, 3,000 रिटर्न, 1,000 अनअप्रूव, 6,000 अप्रूव। अब बेटा स्टॉक कौन सा वैल्यू पे दिखाते हैं, स्टॉक कौन सा वैल्यू पे दिखाते हैं? कॉस्ट, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, कॉस्ट दिखाएंगे ना, कैसे करते थे बेटा? अनअप्रूव्ड सेल, कितना अनअप्रूव्ड सेल, लेस प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट का रेट देखो तो, 100% ऑन कॉस्ट, ये देखो 100% का मतलब यही होता है ना, बोलो ना भाई, 1/1 ऑन कॉस्ट, 1/2 ऑन सेल्स, अरे 100%, 100/100, अभी मैथ्स पढ़ोगे 12 तारीख से पता चलेगा, सही है ना, 100/100, 1/1, तो सेल्स एक कदम आगे,
वन बाई टू शॉर्टकट है बेटा, तो कितना हो जाएगा, वन बाई टू ऑफ 1000, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा, 500। चलो चलो एंट्री लिखो, लिखो लिखो गुड़िया, दैट्स गुड, वेल डन। छोड़ो छोड़ो, आज होमवर्क लेंगे सीए स्टडी मैट का, कैजुअल मेथड का, ऑल सम्स रफली कहीं देख लेना, मतलब कोई रफ में प्रैक्टिस कर लेना, और नहीं समझ में आए तो मार्क करके रखना, मैं समझा दूंगा। जब कोई चैप्टर ख़त्म होने आएगा तो सीए मैट का सारा सम्स होमवर्क रहेगा, और 99% सम्स सक जाओगे आप लोग, सारे सक जाओगे। मेरे पढ़ाने के बाद संसार से कहीं से भी सम लो, सक जाएंगे, पर संसार बहुत बड़ा है, नहीं जाना है, ओनली सी एम एट तक सीमित रहना है। सी एम एट के सारे सम सक जाएंगे, रफ कॉपी में कर लेना रफली, तकलीफ पाओ तो फिर रोते रोते मेरे पास आना, मैं उस लायक छोड़ूंगा नहीं कि रोना पड़ेगा। बेटा हटाओ इसको, ये हो गया, चलो 10 हो गया, 11 होमवर्क दे दिए, 12 हो गया, अब क्या बचा, 13 होमवर्क, और 14 से ना वो फ्रीक्वेंटली वाला सम है, देखो चार ही सम है, 14, 15, 16, 17 और खत्म। थर्टीन होमवर्क दे दिया, 14 से ना फ्रीक्वेंटली वाला है, मैंने हम लोग को तीन मेथड सीखना है ना, तो बाकी के मेथड्स के चार ही सम है, और एक सम समझाने से चारों हो जाता है। सारा कस था कैजुअल पे, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। फाइनल अकाउंट चैप्टर में मिलने वाला है, सेल और रिटर्न में मिलने वाला है, रेक्टिफिकेशन में मिलने वाला है, पार्टनरशिप में मिलने वाला है, और पता नहीं कहीं और भी मिल जाए, तो इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, और इंटर में तो इस चैप्टर का बारिश ही होने वाला है। सो चलो आज का सुहाना सफर यहीं समाप्त करते हैं।